वेलकम गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत ही ज्यादा यहाँ पे अच्छी चल रही होगी। गाइस, ये वीडियो रहने वाली है आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 रिजल्ट कब तक आएगा और आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम डेट कब तक आएगी, इसके ऊपर रहने वाली है। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि क्या न्यूज अपडेट इस समय आई हुई है, बिल्कुल जो भी न्यूज अपडेट है उसी के ऊपर यहाँ पे बात होने वाली है कि कब तक आपका रिजल्ट आ सकता है सीबीटी 1 का और कब तक ग्रुप डी का यहाँ पे एग्जाम की आपकी डेट आ सकती है। चलिए बिना देरी के वीडियो को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं जी न्यूज की तरफ से यहाँ पे ये न्यूज है। कुछ स्टूडेंट्स ने कहा था कि प्लीज अपना जो न्यूज सोर्स है उसको भी बताएं, तो ये जी न्यूज की तरफ से है। इसके अंदर बताया जा रहा है आरआरबी ग्रुप डी एग्जामिनेशन कब तक हो सकता है यहाँ पे। तो चलिए मैं आपको यहाँ न्यूज पूरी पढ़ के बताती हूँ कि क्या है इसके अंदर। यहाँ पे लिया गया है कि भारतीय रेलवे भर्ती बोर्ड की तरफ से एग्जाम आयोजित कराने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। माना जा रहा है कि बोर्ड द्वारा आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का रिजल्ट 15 सितंबर तक जारी कर दिया जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे इन्होंने ये क्लियर किया है कि 15 सितंबर तक यहाँ पे जारी कर दिया जा सकता है एनटीपीसी सीबीटी 1 का रिजल्ट। पहली चीज यहाँ पे इन्होंने ये स्टेट किया यहाँ पे, उसके बाद ही आरआरबी ग्रुप डी की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। यानी कि सबसे मेन चीज इस स्लाइड के ऊपर क्या क्लियर हुई कि पहले तो यहाँ पे एनटीपीसी का रिजल्ट दिया जाएगा, उसके बाद ही यहाँ पे ग्रुप डी की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। तो इसके मुताबिक अगर इस न्यूज अपडेट के माने तो यहाँ पे पहले 15 सितंबर तक आपका जो एनटीपीसी का रिजल्ट है वो जारी किया जा सकता है और उसके बाद ही यहाँ पे आपकी ग्रुप डी की जो डेट्स हैं वो अनाउंस की जा सकती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे और क्या न्यूज में इसके में बता रखा है, बताया जा रहा है कि रेलवे भर्ती बोर्ड की तरफ से ग्रुप डी के 1 लाख से ज्यादा पदों पर भर्ती की जाएगी। ये तो सबको पता है यहाँ पे, और बहुत टाइम से गाइस इंतजार चल रहा है। इस समय तो स्टूडेंट्स बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं, वो चाहते हैं कि एग्जामिनेशन यहाँ पे फटाफट कंडक्ट कराया जाए क्योंकि 2 साल से भी ऊपर हो चुका है यहाँ पे वैकेंसी निकले हुए। सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं, यहाँ पे जो टीचर्स है वो भी चाहते हैं कि भाई वो जो एग्जाम है वो जल्द से जल्द यहाँ पे कंडक्ट कराया जाए। इसी बीच सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक भारतीय रेलवे भर्ती बोर्ड की तरफ से एग्जाम आयोजित कराने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। एक चीज यहाँ पे क्लियर की जा रही है कि एग्जाम जो है उसकी तैयारियां यहाँ पे स्टार्ट कर दी गई हैं। पहले तो यहाँ पे कुछ अता पता ही नहीं था कि एग्जाम कब तक होगा, लेकिन यहाँ पे अब तैयारियां हैं वो स्टार्ट कर दी गई हैं। माना जा रहा है कि बोर्ड द्वारा आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 की परीक्षा का रिजल्ट 15 सितंबर तक जारी किया जाएगा। यहाँ पे भी एक सेम ही चीज कही गई है कि 15 सितंबर तक आपका रिजल्ट जारी किया जा सकता है और उसके बाद ही यहाँ पे आरआरबी ग्रुप डी की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। नेक्स्ट यह दे रखा है इस न्यूज के अंदर, पढ़ते हैं। अगर परीक्षा की तारीखों का ऐलान 15 सितंबर के बाद जारी किया जाएगा, देखिए इस पॉइंट को जरा क्लियरली पढ़िए, 15 सितंबर के बाद अगर जारी किया जाएगा यहाँ पे, मतलब डेट्स अनाउंस 15 सितंबर के बाद होंगी, तो ग्रुप डी का एग्जाम अक्टूबर में आयोजित किया जा सकता है। यहाँ पे क्लियरली कहा है कि ग्रुप डी का एग्जाम अक्टूबर मंथ में यहाँ पे फिर कंडक्ट कराया जा सकता है अगर 15 सितंबर के बाद यहाँ पे डेट्स अनाउंस होंगी, जबकि परीक्षा कई चरणों में होगी, दिसंबर तक चलेगी। जैसे कि यहाँ पे अपनी सीबीटी 1 की परीक्षा कंडक्ट कराई गई थी सीबीटी 1 की, उसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा, आपकी ये भी फेजेस के अंदर कंडक्ट कराई जाएगी ग्रुप डी की, क्योंकि बहुत ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, इसलिए एक साथ इन सबकी जो है परीक्षा कराना थोड़ा सा मुश्किल होगा, इसलिए ये भी फेजेस में होगी। और कहा जा रहा है उसके बाद एग्जाम के आंसर के रिजल्ट जारी किया जाएगा, वो तो एज ऑब्वियस होगा ही। ऐसे में भारतीय रेलवे भर्ती बोर्ड ग्रुप डी के लिए आवेदन करने वाले विद्यार्थियों को वो सलाह दी जा रही है कि भाई ऑफिशियल वेबसाइट चेक करते रहें। बट यहाँ पे एक मेन पॉइंट मैं आपको बता दूं कि कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि अगर सितंबर मंथ में हमारी एग्जाम डेट रिलीज कर भी दी जाती है तो अक्टूबर में हमारा एग्जाम नहीं कंडक्ट कराया जाएगा, तो भाई ऐसा नहीं है। अक्टूबर मंथ के अंदर भी आपका यहाँ पे एग्जाम कंडक्ट कराया जा सकता है, क्योंकि अगर उन्होंने 15 सितंबर तक भी आपकी यहाँ पे डेट्स रिलीज कर दी एग्जाम की, तो आपका एग्जाम 15 दिन बाद यानी 1-2 अक्टूबर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि 15 दिन एग्जाम मतलब डेट्स यहाँ पे रिलीज हुई 15 दिन पहले, और 15 दिन बाद एग्जाम कराने में कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसीलिए आपको यहाँ पे सलाह दी जा रही है पूरी तरीके से कि अब अपना फाइनल टच दे दीजिए अपनी प्रिपरेशन को अच्छे तरीके से, अक्टूबर के अंदर यहाँ पे आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जा सकता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबको बता दूं कि 8 सितंबर से यहाँ फ्रेश बैचेस स्टार्ट हुए हैं अनअकैडमी ऐप के ऊपर, जिसके अंदर आप एनरोल कर सकते हैं PMYT कोड लगाकर। गाइस, PMYT कोड लगाकर आप इसमें एनरोल करेंगे, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ पे मिलेगा। साथ ही अनअकैडमी के ऊपर आप अपने डाउट भी पूछ सकते हैं और लाइव क्लासेस के अंदर भी आप रेज हैंड फीचर के थ्रू अपने डाउट यहाँ पे पूछ सकते हैं। गाइस, यहाँ पे मेगा ऑफर चल रहे हैं जिसके अंदर अगर आप 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेंगे 8 मंथ्स का फ्री मिलेगा, 12 मंथ्स का लेंगे तो 4 मंथ्स का फ्री मिलेगा SSC का सब्सक्रिप्शन। गाइस, अगर आप कॉम्बो लेते हैं SSC बैंक का तो 24 मंथ्स का लेंगे तो 12 मंथ्स का फ्री मिलेगा, 12 मंथ्स का लेंगे तो 6 मंथ का फ्री मिलेगा। कोड ध्यान रखिए, PMYT कोड लगाने से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। SSC कॉम्बैट होता है एवरी संडे, PMYT कोड लगाकर आप इसे भी यहाँ पे दे सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं और क्या न्यूज दे रखी है यहाँ पे। आज तक की अगर मानी जाए न्यूज तो यहाँ देखिए, आरआरबी ग्रुप डी
पूरी कर ले तैयारी। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि भाई पूरी कर लीजिए अपनी परीक्षा की तैयारी, जारी होने जा रहा है CBT 1 का एडमिट कार्ड। इन्होंने तो कहा एडमिट कार्ड ही यहाँ पे जारी होने जा रहा है। गाइस सिंपल सी बात है, यहाँ पे अगर न्यूज चैनल्स बार बार एक चीज कह रहे हैं कि 15 सितंबर यानी सितंबर मंथ के अंदर ही आप मान के चलिए कि आपकी एग्जाम डेट्स रिलीज हो सकती हैं, तो ऐसा हो सकता है गाइस कि आपकी एग्जाम डेट्स यहाँ पे रिलीज कर दी जाए सितंबर मंथ के अंदर। बिल्कुल बार बार ये इसलिए बनाया जा रहा है ताकि अब आप फ्रस्ट्रेट ना होए और बिल्कुल अपनी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से फाइनल टच दें। आपका सितंबर मंथ के अंदर पूरे हाई चांसेस है गाइस कि यहाँ पे रिजल्ट भी रिलीज कर दिया है CBT 1 का और एग्जाम डेट्स भी यहाँ पे आपकी रिलीज कर दी जाए। साथ ही एक चीज इस स्लाइड के ऊपर इम्पोर्टेंट क्या है, जिन उम्मीदवारों का एग्जाम पहले फेज में होगा उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर SMS के माध्यम से रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर उनकी जानकारी भेज दी जाएगी। गाइस जैसे CBT 1 का जब एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया गया था तो सभी स्टूडेंट्स के वहाँ पे SMS से यहाँ पे जानकारी दी गई थी, क्योंकि 2 साल हो चुके थे एग्जाम अनाउंस किए, कई स्टूडेंट्स भूल भी गए थे कि उन्होंने भाई ये एग्जाम भरा भी है, तो उनको बताने के लिए SMS किया गया था कि भाई अब आपका एग्जाम यहाँ शेड्यूल कर दिया गया, इस डेट पे आपका एग्जाम है। तो जिन भी स्टूडेंट का फेज 1 के अंदर एग्जाम पड़ेगा ग्रुप डी का, उनको यहाँ पे बता दिया जाएगा रजिस्टर मोबाइल पे उनके SMS करके, रजिस्टर्ड जो उनका मोबाइल नंबर है उस पे SMS के माध्यम से उनको बता दिया जाएगा कि आपका एग्जामिनेशन इस डेट पे कंडक्ट होगा। इसलिए अगर सितंबर मंथ के अंदर आपका शेड्यूल आ जाता है तो सितंबर मंथ के अंदर ही कुछ दिन बाद शेड्यूल जारी होने के आपके पास SMS आने लगेंगे जिन भी स्टूडेंट्स का फेज 1 के अंदर यहाँ पे एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। अभी गाइस ये प्रीवियस न्यूज आई थी, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई थी जिसके अंदर बताया जा रहा था कि इस हफ्ते के अंदर आपका CBT 1 का रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा। तो गाइस अभी भी इस हफ्ते के अंदर 2 दिन है, यानी कि आप समझ लीजिए 12 तारीख से 15 तारीख आप मान के चलिए इसके अंदर आपका यहाँ पे रिजल्ट अनाउंस किया जा सकता है। पूरे पूरे चांसेस है गाइस 1-2 दिन के अंदर यहाँ पे आपकी अपडेट आ सकती है कि आपका NTPC CBT 1 का रिजल्ट यहाँ पे जारी किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को मैं बता दूं यहाँ पे अनअकैडमी ऐप के ऊपर 8 सितंबर से यहाँ पे बैचेस स्टार्ट हुए हैं, फ्रेश बैचेस गाइस जिसके अंदर आप एनरोल कर सकते हैं PMIT कोड लगाकर। गाइस PMIT कोड लगाने से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ पे मिलेगा। साथ ही अनअकैडमी के ऊपर आप अपने डाउट पूछ सकते हैं, साथ ही लाइव क्लासेस के अंदर आप अपने फेवरेट एजुकेटर से रेज एंड फ्यूचर से यहाँ पे डाउट पूछ सकते हैं। मेगा ऑफर चल रहे हैं गाइस, अगर आप 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेंगे SSC का 8 मंथ्स का फ्री मिलेगा, 12 मंथ्स का लेंगे 4 मंथ्स का फ्री मिलेगा। कॉम्बो लेते हैं आप SSC बैंक का 24 मंथ्स का 12 मंथ्स का फ्री मिलेगा, 12 मंथ्स का लेते हैं तो 6 मंथ्स का फ्री मिलेगा। कोड ध्यान रखिए PMYT, यही कोड लगाने से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। गाइस SSC कॉम्पैक्ट दे सकते हैं आप PMYT इनवाइट कोड यूज करके। एवरी संडे 12 PM कंडक्ट कराया जाता है अनअकैडमी ऐप के ऊपर। गाइस दोस्तों अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू कर सकते हैं अनअकैडमी प्लस के साथ। दोस्तों आप किसी भी कैटेगरी की प्रिपरेशन कर सकते हैं, वेदर इट इज UPSC, SSC, बैंक, रेलवे, CDS, स्टेट PSC, UGC नेट, IIT, JEE नीट, इवन अब आप CBSE एग्जाम्स की प्रिपरेशन अनअकैडमी के ऊपर कर सकते हैं। दोस्तों गोल सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको मैक्सिमम वैलिडिटी का प्लान सिलेक्ट करना है। मैक्सिमम वैलिडिटी का प्लान सिलेक्ट करने के बाद रेफरल कोड में डिस्काउंट कोड लगाना है PMYT। PMYT कोड लगाने से गाइस आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। ऐसे चिंता मत कीजिए, सितंबर मंथ के अंदर हो सकता है कि आपके एग्जाम का यहाँ पे शेड्यूल जारी कर दिया जाए, इसीलिए PMYT कोड लगाकर आप अभी अपनी यहाँ पे प्रिपरेशन बिल्कुल अच्छे तरीके से कंटिन्यू रखिए। गाइस कोड नोट कर लीजिए PMYT। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।